हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है इस अजीत बीएससी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर यानी मानव में अनुवांशिकता के रोग। यदि आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी पेपर के हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है मानव में अनुवांशिकता के रोग कौन कौन से होते हैं, कौन से ऑटोसोमल, कौन से सेक्स क्रोमोसोमल, कितने प्रकार के भागों में बांटा गया, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को दो भागों में बांटा गया है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज यानी गुणसूत्र उत्परिवर्तन के कारण कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर यानी मानव में जीन से संबंधित कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी यानी गुणसूत्र उत्परिवर्तन के कारण कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ऑटोसोम्स एक होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो ऑटोसोम्स कौन कौन से होते हैं? 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 44 गुणसूत्र होते हैं, ये तो आपको बात पता है। और सेक्स क्रोमोसोम्स यानी एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। देखिए, हम यहां पर लिख रहे हैं इसमें गुणसूत्र पूरा बदल जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इसमें गुणसूत्र क्या होता है? पूरा का पूरा बदल जाता है। यदि ऑटोसोमल होगा यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र होंगे, यदि इसमें गुणसूत्र बदल जाएगा तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स में यदि क्रोमोसोम्स पूरा का पूरा बदल जाता है तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए, ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन से होते हैं जो कि 22 जोड़ी गुणसूत्र के कारण होते हैं? डाउन सिंड्रोम होता है, और एडवर्ड सिंड्रोम होता है, और तीसरा है पटाउ सिंड्रोम होता है, और चौथा है माइलोजीनस ल्यूकेमिया, ठीक है, और पाँचवा है क्री ड्यूचेट। तो ये पाँच प्रकार के रोग होते हैं जो कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर के कारण होते हैं। गुणसूत्र का पूरा का चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर यानी लिंग गुणसूत्र होते हैं, यदि उसमें कोई चेंज आ जाता है गुणसूत्र में, ये रोग हो जाते हैं। देखिए, पहला है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है सुपर फीमेल, और तीसरा है क्लाइन फ्लेटर्स एस सिंड्रोम, और चौथा है सुपर मेल, ठीक है। तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं किसके कारण? लिंग गुणसूत्र में यदि कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट है जो कि किसका है? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर का, मानव में जीन से संबंधित उत्पन्न रोग। और ऊपर वाला क्या था? गुणसूत्र परिवर्तन के कारण रोग उत्पन्न हो जाते थे, और इसमें क्या है? जीन परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग हो जाते हैं, ठीक है, जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर। देखिए, जीन से संबंधित रोग, जीन्स परिवर्तन के कारण कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं? देखिए, फिर से वही बात आ गई, जीन जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देखिए, ऑटोसोम्स में 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और इसमें एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो जो 22 जोड़ी जो ऑटोसोम्स यानी 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर जो जीन उपस्थित होते हैं, यदि जीन में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है तो ये प्रभावी तथा अप्रभावी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, प्रभावी तथा अप्रभावी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब प्रभावी या प्रभावी क्या होता है? देखिए, मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है कि प्रभावी वो होता है कि जो हर पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, ठीक है, हर पीढ़ी में ये रोग ट्रांसफर होंगे। कौन कौन से? पहला है एकोट्रोप्लासिया, दूसरा है पॉलीडेक्टिली, तीसरा है हंटिंगटन, ठीक है। तो ये तीन रोग होते हैं, ये क्या होते हैं? हर पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि ये प्रभावी रोग है, ठीक है। प्रभावी रोग क्या होते हैं? हर पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। और अप्रभावी जो रोग होते हैं, ये हर पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। जैसा मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, यदि कोई एक माता है, ठीक है, माता का जो बच्चा है, ठीक है, माता का जो बच्चा है और बच्चे का एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे का एक बच्चा है, वो बड़ा हो गया, इसकी शादी हो गई, तो ये एक बच्चा उसका भी है और माता का ये बच्चा है, तो इसमें ये रोग नहीं आएगा और इसका सीधे इसमें आ जाएगा रोग, ठीक है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि माता के बेटे में उसका रोग नहीं आएगा, माता के पोते में उसका रोग आ जाएगा, ठीक है, यानी बच्चे के बच्चे में इसका रोग आएगा। तो ये क्या होता है? अप्रभावी रोग होता है। तो ये रोग होते हैं अप्रभावी। कौन कौन से अप्रभावी रोग होते हैं? देखिए, जो हर पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते हैं, दूसरी या तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। देखिए, तो हमने एक समझाने के लिए आपको क्या ले लिया है? एल्बिनिज्म ले लिया, यानी रंजकहीनता, यदि कोई माता में रोग है, ठीक है, तो उसके बच्चे में ये रोग नहीं आता है और उसके बच्चे के बच्चे में ये रोग आ जाता है। कौन सा? रंजकहीनता रोग। तो इसे हम क्या कहते हैं? अप्रभावी रोग कहते हैं, जो कि हर पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता है। कौन कौन से रोग होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है अल्काप्यूटिनुरिया, और दूसरा है फेनिलकेटोन्यूरिया, और तीसरा है रंजकहीनता, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म कहते हैं, और चौथा है स्किल सेल एनीमिया, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? दरांती कोशिका अलगता कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अप्रभावी रोग हैं जो कि हर पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते हैं, और ये प्रभावी रोग हैं जो कि हर पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। और ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं? प्रभावी या प्रभावी? ये ऑटोसोम्स यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र में जीन परिवर्तन के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, या समझ गए हैं तो लाइक करते हैं फटाफट से। और दूसरा है जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। देखिए, हमने आपको ऊपर भी बताया कि मानव में कितने होते हैं? दो प्रकार के। देखिए, ऑटोसोम, देखिए हम कैसे लिखते थे, देखिए ऐसे लिखते थे पहले हम, ठीक है,
इस तरह से लिखते थे। तो ये 44 वाले क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और XY यानी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम, इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो यदि इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है XY में, यदि इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यदि इसके जीन में कोई परिवर्तन हो जाता है XY के जीन में तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कौन से, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस को हम क्या कहते हैं, रतौंधी रोग कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस ये होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में बर्णधता कहते हैं, और हीमोफीलिया को हम हीमोफीलिया ही कहते हैं। ठीक है, यदि कोई, यहाँ पर लिखा लिंग गुणसूत्र में जीन परिवर्तन के कारण, यदि XY जो लिंग गुणसूत्र है यदि इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई इसका जीन में यदि कोई परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है तो ये तीन रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये मुख्य रोग हैं, इसे नाम याद कर लें। यदि 44 गुणसूत्र यानी इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, तो यदि इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है, इसके जीन में यदि कोई परिवर्तन हो जाता है तो ये प्रभावी तथा अप्रभावी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे कौन से, ये अप्रभावी रोग हैं, ये अप्रभावी रोग हैं। प्रभावी रोग वो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, और ये वाले जो अप्रभावी रोग ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा दिया है। तो मानव में जीन से संबंधित उत्पन्न रोग ये दो प्रकार के होते हैं, कौन से, देखिए यहां पर लिखा है, ये क्या है, ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी अप्रभावी, और सेक्स क्रोमोसोम्स ये तीन होते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो आई होप ये समझ पाए होंगे आप। यदि मैं आपको एक बात बताना चाहूं, ये क्या होते हैं, जीन परिवर्तन के कारण होते हैं, यहां पर लिख सकते हैं ये आपको याद रखने के लिए, देखिए जीन परिवर्तन के कारण, जीन परिवर्तन के कारण हो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जीन में परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है तो इसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन में, इसमें सिर्फ पूरा का पूरा जो गुणसूत्र होता है वही चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा गुणसूत्र ही चेंज हो जाता है तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर भी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए प्लस XY, ये प्लस बना हुआ है। ठीक है, इसे 44 गुणसूत्र को हम क्या कहते थे, ऑटोसोमल कहते थे। ठीक है, यहाँ पर आप डैश लगा सकते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। इसमें यदि इसका यदि कोई गुणसूत्र पूरा का पूरा बदल जाता है तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और XY यानी लिंग गुणसूत्र जो होते हैं, एक जोड़ी ये लिंग गुणसूत्र हैं, यदि इसमें कोई गुणसूत्र परिवर्तन हो जाता है तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे कि ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन कौन से रोग होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, ऑटोसोमल कौन से होते हैं, सेक्स क्रोम कौन से होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, और मानव में जीन परिवर्तन के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे, अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया है। और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो फटाफट से जल्द अपलोड की जाएंगी, तो जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।